कई बैंकों ने दी ईएमआई पर राहत। रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद एसबीआई, इलाहाबाद बैंक, पंजाब और सिंध बैंक ने दी ब्याज दरों में राहत। कल आरबीआई ने रेपो रेट को 7.5% से घटाकर 7.25% किया था। सरकार ने बताया इस साल नीतिगत ब्याज दर में तीसरी कटौती को अर्थव्यवस्था के रुझानों के अनुरूप। बाल कल्याण की दिशा में बड़ा कदम। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए केंद्र सरकार ने लॉन्च की वेबसाइट। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में इस वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। लापता बच्चों के बारे में सूचना और देखे गए बच्चों के बारे में khoyapaya.gov.in वेबसाइट पर बच्चों का विवरण और फोटो अपलोड किया जा सकेगा। बीएसएनएल के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। 15 जून से बीएसएनएल की मोबाइल सेवाओं पर रोमिंग की सुविधा के लिए अलग से नहीं देना होगा कोई चार्ज। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया ऐलान। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल मुंबई और दिल्ली को छोड़कर देश भर में देती है दूरसंचार सेवा। प्रधानमंत्री ने जमीन अधिग्रहण कानून में संशोधन को बताया गांव, गरीब और किसानों के हित में। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा आने वाले दिनों में विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम से मिलेगी मुक्ति और सब कुछ हो जाएगा स्पष्ट। पीएम ने कहा राज्य सरकारों के सुझावों को किया गया शामिल। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में मोबाइल टावरों पर हमले की घटनाओं पर केंद्र का सख्त रुख। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को मोबाइल टावरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पुलिस से सभी मोबाइल टावर ऑपरेटरों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने को कहा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच नया विवाद। दिल्ली सरकार द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार के कुछ पुलिस अफसरों की तैनाती के फैसले को उपराज्यपाल ने ठहराया अवैध। दिल्ली सरकार अपने रुख पर अड़ी, कहा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अधिकारियों की तैनाती का उसे पूरा हक। मैगी नूडल्स पर विवाद और गहराया। केरल सरकार ने दिए सभी उत्पाद बाजार से हटाने के निर्देश। दिल्ली सरकार द्वारा करवाए गए परीक्षणों में भी तयशुदा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए सैंपल। बिहार में मुजफ्फरपुर की अदालत ने दिया इसका विज्ञापन करने वाले अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश। मौसम विभाग ने जताया इस साल मॉनसून के कमजोर रहने का अंदेशा। 93% की बजाय सिर्फ 88% ही हो सकती है बरसात। केंद्र सरकार ने अधिकारियों को इस स्थिति के मद्देनजर तैयारी के दिए निर्देश। मॉनसून के आने में हो रही देरी भी बढ़ा रही है चिंता। झारखंड के हजारीबाग की जिला अदालत के बाहर दिन दहाड़े फायरिंग। प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के बीच गोलीबारी में एक गैंगस्टर और उसके दो सहयोगी मारे गए। गिरोहों के बीच पुरानी रंजिश। धरपकड़ के लिए पुलिस ने शुरू की सघन तलाशी अभियान। स्वीडन के सफल दौरे के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बेलारूस पहुंचे। मिन्स्क एयरपोर्ट पर बेलारूस के उप प्रधानमंत्री ने किया स्वागत। इससे पहले भारत और स्वीडन के बीच ध्रुवीय अनुसंधान और आपसी कारोबार बढ़ाने के 6 समझौतों पर हुए थे हस्ताक्षर। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर मैदुगुरी के एक बाजार में आत्मघाती हमला, कम से कम 50 लोगों की मौत। आतंकी संगठन बोको हराम ने इससे पहले कल सुबह ही शहर पर किया था हमला। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति ने युद्ध सैन्य मुख्यालय को राजधानी अबुजा से हटाकर मैदुगुरी ले जाने की है घोषणा। सेप ब्लैटर ने आखिरकार दिया इस्तीफा। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने दिया इस्तीफा। पिछले शुक्रवार को ही 5वें कार्यकाल के लिए चुने गए थे ब्लैटर। आरोपों के बीच हाल ही में स्विस पुलिस ने ज्यूरिख के एक होटल से फीफा के 2 उपाध्यक्षों सहित 7 अधिकारियों को किया था गिरफ्तार। रवि शास्त्री टीम इंडिया के अंतरिम निदेशक नियुक्त। भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी बांग्लादेश दौरे के लिए हुई नियुक्ति। संजय बांगड़ को बल्लेबाजी कोच बनाया गया। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 1 टेस्ट और 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 6 जून को बांग्लादेश के लिए होगी रवाना। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के 10वें दिन पुरुषों के क्वार्टर फाइनल में एक और उलटफेर। स्विट्जरलैंड के स्टैनिस्लास वावरिंका ने 17 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता और हमवतन खिलाड़ी रॉजर फेडरर को सीधे सेटों में दी मात। सेमीफाइनल में बनाई जगह। सोशल नेटवर्किंग साइट्स लोगों को जोड़ने के अलावा सामाजिक कार्यों का भी बन रहा है जरिया। व्हाट्सएप पर बने ग्रुप ने जम्मू कश्मीर के सांबा के एक स्कूल को गोद दिया। सोशल साइट्स ग्रुप पर शिक्षा के विषय पर चर्चा के दौरान युवाओं ने लिया ये फैसला।